एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी फेल हो रही है, एक्सपर्ट्स फेल हो रहे हैं, राहत कार्य में समय लग रहा है और उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, वहीं अब जो स्थानीय लोग हैं वो उन्होंने आस्था का सहारा लिया है। आपको दिखाते हैं मेरे पीछे बाबा भोगनाथ की जो डोली है वो यहाँ पहुंची है और उसके साथ श्रद्धालु पहुंचे हैं बाबा भोगनाथ के जयकारों के साथ। यहाँ डोली पहुंची है और डोली को नचाया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय मान्यता ये है कि बाबा भोगनाथ का यहाँ मंदिर हुआ करता था जिसको टनल कंस्ट्रक्शन के चलते तोड़ दिया गया। उधर साथ ही टनल के कॉर्नर पे अगर देखें तो बाबा भोगनाथ का मंदिर स्थापित किया गया है जो यहाँ पर पहले हुआ करता था, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। और इस पहाड़ी के पीछे ऊपर बाबा भोगनाथ का प्राचीन मंदिर है। तो स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो शक्तियाँ जो स्थानीय देवताओं में होती है उसकी काफ़ी मान्यता है। और देखा भी जा सकता है कि जब विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, विश्वास टूट रहा है, तो भगवान के आश्रय लोग यहाँ पहुँचे हैं। और एक बड़ी बात है ये, क्योंकि अभी तक जिस तरह से इस टनल पे शांति बनी हुई थी, सिर्फ जो है हम देख रहे थे कि यहाँ पर मशीनों का और डंपर्स का आना जाना था या फिर जो रेस्क्यू टीम के अधिकारी हैं, नेता हैं, उनका आना जाना था। अब यहाँ के भगवान बाबा भोगनाथ भी यहाँ पहुँचे हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि इनके आने से अब रेस्क्यू टीम में को आशीर्वाद मिलेगा और जो लोग उधर परेशान हैं वो भी जल्दी बाहर निकल के आएंगे। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ अंकित शर्मा, आज तक।